आज हम देखेंगे लव डेथ एंड रोबोट की स्टोरी नंबर 21 पॉप स्क्वाड। लेकिन कहानी की तरफ चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो अब चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी शुरू होती है एक अपार्टमेंट से जहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जिसे लीड कर रहा था ब्रिक्स और उसकी असिस्टेंट थी पेंटल। उस अपार्टमेंट से एक कपल को अरेस्ट किया गया और उनका क्राइम था बच्चे पैदा करना। ये वो वक्त था जब बच्चे पैदा करना क्राइम बन चुका था। इंसानों के हाथ एक ऐसी सीरम लग चुकी थी जिससे वो अमर हो सकते थे। सीरम को लगवाने की प्रोसेस का नाम रिजू ट्रीटमेंट था और सरकार ने रिजू ट्रीटमेंट सभी के लिए अवेलेबल करवा दिया। मतलब दुनिया के सभी इंसान अब अमर बन चुके थे, कोई मर ही नहीं रहा था। तो सरकार ने सोचा कि तो फिर बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत है। फिर दुनिया के कानून में बच्चे पैदा करने को एक क्राइम की कैटेगरी में डाल दिया गया। अगर फिर भी कोई बच्चे पैदा करता तो बच्चों को मार दिया जाता। लेकिन फिर भी लोग चोरी छुपे बच्चे पैदा कर रहे थे। ब्रिक्स एक पुलिस ऑफिसर था और हफ्ते में उसे 2-3 केस बच्चों के मिल ही रहे थे और हमेशा बच्चों को उसे ही मारना पड़ता। ब्रिक्स की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम एलिस है। एलिस एक ओपेरा सिंगर है और उसने हाल ही में एक परफॉर्मेंस में एक प्राइज जीता है जिसमें उसे एक डायनासोर खिलौना दिया जाता है। मासूम बच्चों को मारते मारते ब्रिक्स डिप्रेशन में जा रहा था। उसकी जीने की इच्छा खत्म होती जा रही थी। उसके काम की वजह से उस पर बहुत बार जानलेवा अटैक होते थे, लेकिन ब्रिक्स कभी भी उन अटैक से बचने की कोशिश नहीं करता क्योंकि अब उसे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन ब्रिक्स अपनी कार में वो खिलौना देखता है जो एलिस को प्राइज के रूप में मिला था। उस खिलौने पर वो उस दुकान का नाम देखता है जहाँ से वो लाया गया था। ब्रिक्स फिर उस दुकान पर जाता है। उस वक्त लोग खिलौनों का इस्तेमाल खुद के कलेक्शन के लिए करते थे। ब्रिक्स जब उस दुकान पर होता है तो वहाँ एक औरत एक खिलौना खरीद रही थी। उस औरत के हाव भाव देखकर ब्रिक्स समझ जाता है कि वो औरत खिलौना अपने लिए नहीं खरीद रही। ब्रिक्स उस औरत का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँच जाता है। वो पहले तो थोड़ा सोचता है, लेकिन बाद में वो उस घर के अंदर चला जाता है और वहाँ उसे एक छोटी बच्ची दिखती है। उस बच्ची का नाम मेलेनी था। लेकिन मेलेनी की माँ जब ब्रिक्स को वहाँ देखती है तो वो थोड़ा डर जाती है। ब्रिक्स उसे समझाता है कि वो उन्हें कुछ नहीं करेगा, बस उसे कुछ सवाल करने हैं। ब्रिक्स उससे पूछता है कि तुम लोग बच्चे क्यों पैदा करते हो, ये गैर कानूनी है। तो वो औरत कहती है कि मेरी उम्र 218 साल है और इतने वक्त में मैं बहुत कुछ देख चुकी हूँ। एक वक्त बाद जिंदगी से सारी हंसी खुशी चली जाती है, मन पूरी तरह बेजान हो जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ है। लेकिन जब से मेलेनी पैदा हुई, जिंदगी में दोबारा रौनक लौट आई है। इसके नजरिए से दोबारा जिंदगी को देखना अच्छा लगता है। इसके आने से सब कुछ नया सा लगता है, जैसे मुझे दूसरी नई खूबसूरत जिंदगी मिल गई हो। मेलेनी की मासूमियत देखकर ब्रिक्स का दिल भी पिघल जाता है और वो अपना उदास मन लेकर उनके घर से बाहर आ जाता है। लेकिन उसे घर के बाहर पेंटल खड़ी दिखती है और घर के अंदर से मेलेनी की आवाजें आ रही थी। पेंटल घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन ब्रिक्स बीच में आ जाता है। दोनों को समझ में आ रहा था कि एक दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि दोनों कई सालों से एक साथ काम कर रहे थे और वो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। दोनों एक टाइम पर एक दूसरे को शूट कर देते हैं और दोनों की वहीं मौत हो जाती है। प्रकृति ने एक इंसान को हर एक चीज बहुत सोच समझ कर दी है, चाहे वो उम्र हो या कोई कैपेबिलिटी। अगर इंसान उसे बदलने की कोशिश करता है तो वो कभी भी जिंदगी पीसफुली नहीं जी सकता। और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।